ये एक इनक्यूबेटर है जो कि अंडों में से बच्चे निकालने का एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। और यहाँ पर ये टेम्परेचर कंट्रोल लगा हुआ है, 37.5 इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इससे अप एंड डाउन होता है तो ये ऑटोमेटिकली बल्ब ऑन हो जाता है और ऑफ़ हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये एक फ़ैन लगा हुआ है, और ये जो बल्ब है ये पानी में डिप है, थोड़ा सा पानी में डूबा हुआ है। इससे क्या होता है कि पानी गर्म होता है, और ये जो फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन इस पानी से जो भाप उठती है उसको आगे की तरफ पुश करता है। यहाँ पर फिर ये नॉर्मल घास है जो पार्क वगैरह में होती है, और इसके अंदर ये हमने देसी अंडे रखे हुए हैं। अच्छा, देसी अंडे ही हमने इसके अंदर रखने हैं, क्योंकि जो नॉर्मल अंडे होते हैं आजकल वो मुर्गी आपको पता है फीड से बड़ी होती है, तो उसके अंडे इस तरीके से प्रोसेस नहीं हो सकते। इसके लिए आपको देसी अंडे ही चाहिए होंगे, तो हमने यहाँ पे देसी अंडे रखे हैं। टोटल ये 21 डेज़ का ये प्रोसेस है, 21 डेज़ बाद इन अंडों में से देसी चूज़े निकल आएंगे इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पर ये एक वो लगा हुआ है, अडोप्टर लगा हुआ है, जिसके थ्रू यहाँ पर ये हमारा ये टेम्परेचर कंट्रोलर कंट्रोल हो रहा है, और ये फर्दर कनेक्शन यहाँ पर प्रोसेस हो गया है। इसी की तरह ये फिर ये इसका ये कैप है, और हम इसको पूरा एयर टाइट कर देंगे। इसको ऐसे कर देंगे कि इसके अंदर से हवा बाहर ना आ सके, ना बाहर की हवा अंदर जा सके। हमने इसको एक दीवार के कोने में इसी वजह से रखा है ताकि इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। ठीक है, थैंक यू।